नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हितग्राहियों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था सौंपी गई आपदा प्रबंधन को। दानदाता अब नहीं बांट सकेंगे सामग्रियां। हाट कचोरा स्कूल राहत शिविर में रहने वाले लोग दहशत में, कहा स्कूल के कमरे से आ रही डरावनी आवाजें। टंकियों की सफाई के दौरान गंदा पानी सड़कों पर। और पूरे संजय बाजार सहित मेन रोड पर स्थित दुकानों और मकानों को किया जा रहा है सैनिटाइज। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए हितग्राहियों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था का दायित्व आपदा प्रबंधन विभाग को कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली के द्वारा सौंपा गया है। हितग्राहियों को दिए जाने वाले सामान एकत्रित करने के लिए वाहन की भी व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की मियाद 3 मई तक बढ़ा दी गई है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है, जो रोज मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों तक पहले समाज सेवकों के द्वारा सूखा अनाज और भोजन पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ही अब हितग्राहियों को आवश्यक सामान पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि जिन संघ संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा हितग्राहियों तक अनाज और भोजन पहुंचाने के दौरान सामाजिक दूरी का उल्लंघन हो रहा था, जिसे देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप दिया गया है। इसके लिए जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं और स्वयंसेवक दान देना चाहते हैं, उनके घर तक पहुंचकर सहायता सामग्री एकत्रित की जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा एक वाहन भी उपलब्ध करवाया गया है। इस वाहन के माध्यम से आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में सामान लाया जा रहा है और यहां से ज़रूरतमंदों को सामान वितरित किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष प्रभारी अशोक पांडे ने हमें पूरी जानकारी दी। वर्तमान में जो पिछला जो व्यवस्था था उसको शासकीय आदेश के तहत हटाया गया है और जितने भी स्व सहायता समूह हैं या दानदाता हैं उनसे सामग्री ली जा रही है और कंट्रोल रूम के थ्रू बांटी जा रही है। तो कंट्रोल रूम तक सामान लाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? एक गाड़ी है हमारे पास, फ़ोन करते हैं तो हम लोग जाते हैं वहाँ, सामान उठा के लाते हैं, यहाँ स्टोर करते हैं। जब फ़ोन आता है कि हमको ज़रूरत है तो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करवाने के बाद फिर सामग्री ले जाकर उनके जहाँ रहते हैं उस स्थल पर छोड़ देते हैं। अभी कितनी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं? अभी लगभग 8 से 10 संस्थाएं हैं जो हम लोग की सहयोग कर रही है। अभी मतलब जो खुला अनाज और भोजन भी दे रहे हैं? हाँ, भोजन भी दे रहे हैं, नाश्ता भी दे रहे हैं। 2-3 संस्थाएँ ऐसे हैं जो भोजन भी दे रहे हैं, नाश्ता भी दे रहे हैं, और 7-8 संस्थाएँ ऐसे हैं जो राशन दे रहे हैं, राशन कच्चा राशन, जिसमें सब्जी दाल चावल तेल है, मसाले के कुछ पैकेट है, आलू प्याज है, बड़ी है, हरी सब्जियाँ। इसी तरह ज़रूरतमंदों तक सामान पहुँचाने के लिए प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है तब से बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। स्थानीय स्तर पर फूड डिलीवरी करने वाली ऑनलाइन संस्था जोमैटो के 75% डिलीवरी बॉय बेरोजगार हो गए हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद छोटे रेस्टोरेंट और होटलों को सरकार द्वारा बंद करा दिया गया, लेकिन ऑनलाइन फूड की डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो पूरी तरह से इन्हीं होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले फूड ऑर्डर्स की डिलीवरी पर निर्भर है। लॉकडाउन के पूर्व जगदलपुर क्षेत्र में जहां लगभग 40 से 45 डिलीवरी बॉय कार्यरत थे, वहीं इनकी संख्या वर्तमान में घटकर मात्र 10 रह गई है। इनमें से 4 साइकिलों से शहर के अंदर फूड डिलीवरी का कार्य कर रहे हैं, वहीं लगभग 6 डिलीवरी बॉय शहर और आसपास के क्षेत्रों में डिलीवरी का कार्य कर रहे हैं। वहीं इनके मानदेय में भी कमी आ गई है। इस संबंध में जोमैटो के डिलीवरी बॉय ने हमें बताया। जो कंपनी ने बोला है कि हम लोग हफ्ता में काम करेंगे ना तो 1600 रुपये देगा, अगर ऑर्डर आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है। जो ऑनलाइन 10 घंटा कंपनी को देना है तब जाके ऑर्डर देगा, और कस्टमर जो मंगा रहे ना ऑर्डर मंगाने के बावजूद भी ना तो हम आइटम ना ज़्यादा दे नहीं पा रहे, क्योंकि ना होटल ज़्यादातर खुला नहीं है, 3-4 होटल से ले रहे हैं सामान, जो कस्टमर के खाने का चीज़ जो है ना डिलीवरी कर नहीं पा रहे हैं हम। चपाटी वगैरह सब तो बंद है, उसे हम तो कर नहीं पाएंगे। लॉकडाउन से ना सूरा जोमैटो कमाई नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो पा रहा है, हम लोग कभी घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, कम से कम 2-1-2 मिले पैसा
थोड़ा बहुत मिले बोल के इसलिए आ गए हैं जोमेटो में काम करने के लिए। लॉकडाउन के पूर्व लगभग 50 ऑर्डर पूरा होने पर रुपए 2000 का साप्ताहिक मानदेय इन्हें प्राप्त होता था, वहीं अब यह राशि घटकर 1200 से 1500 के बीच आ पहुंची है। लगभग प्रतिदिन 10 घंटे का कार्य करने वाले डिलीवरी बॉयज को कंपनी की ओर से भी किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। न तो इन्हें मास्क प्रदान किया गया है और न ही हैंड ग्लोव्स। कंपनी द्वारा दिया गया इस तरह बेरोजगारी के भय से विपरीत परिस्थितियों में भी जोमैटो के डिलीवरी बॉय अपने कार्य में पूर्णता से लगे हुए हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। भारतवर्ष में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, शासन द्वारा निर्देश है और 144 की धारा लगी हुई है, इसलिए मैं पूरी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो घर पर रहे और खुद अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि अगर वो यदि घर पे रहते हैं तो आसपास के लोग भी घर पे रहेंगे और इससे बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा, इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। मेरे सभी शहर के बुद्धिजीवी सभी लोगों से मेरा एक अपील है, नगर निगम के अध्यक्ष होने के नाते आज जो कोरोना चल रहा है उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि जरूरत बहुत ही ज़रूरी काम हो तब आप घर से निकले, नहीं तो अपने घर में आप आराम करिए, स्वच्छ रहिए, ताकि जो शासन प्रशासन आप लोगों के लिए जो योजना बनाई है घर घर तक पहुंचा रही है उसका आप फ़ायदा उठा करके आराम से घर में रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा पानी टंकियों की सफाई की जा रही है। 8 अप्रैल से शुरू हुए ओवरहेड टंकियों की सफाई के क्रम में बुधवार को कलेक्ट्रेट रोड स्थित सबसे बड़े ओवरहेड टैंक की सफाई 10 लोगों की टीम द्वारा की गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में गंदा पानी सड़कों पर फैल गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। पूर्व के समाचारों में हमने आपको बताया था कि 8 अप्रैल से शहर के सभी 12 ओवरहेड टंकियों की सफाई का कार्य जारी है। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट रोड स्थित सबसे बड़ी टंकी की सफाई का कार्य किया गया। इस दौरान लगभग 10 लोगों की टीम ने टंकी के अंदर उतरकर सफाई के कार्य को अंजाम दिया। सफाई के बाद बड़ी मात्रा में गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। ओवरहेड टैंक की सफाई के विषय में सब इंजीनियर संजीव करण ने हमें जानकारी दी। वही टंकी सफाई हो रही है, 10 लोग लगे हैं, 10 लेबर, और 2 घंटे में सफाई हो जाएगी। कीचड़ ज़्यादा है नहीं, पहले से 6 महीना पहले ही सफाई हुआ है, तो 2 घंटे में हो जाएगा। सप्लाई टॉयलेट से चालू होगा, पर रात तक पूरी जगह सफाई सुचारू रूप से हो जाएगा। अब तक कितनी टंकियों की सफाई हो चुकी है? अभी तक हमारी 12 टंकी में 9 टंकी हो चुकी है, ये 10वां है, 2 टंकी बचेगा, वहाँ मधुमक्खी का शिकायत है, उसके बाद उसको करेंगे। इसके पहले छोटी टंकियों की सफाई की गई, जिसे जलापूर्ति किसी भी प्रकार से बाधित न हो। इसी क्रम में आज शहर की सबसे बड़ी टंकी की सफाई की गई। अभी भी 2 टंकियों की सफाई मधुमक्खी के छत्ते की अधिकता के कारण नहीं हो पाई है। विभाग ने सारी टंकियों की सफाई पूर्ण करने के लिए 20 अप्रैल तक का लक्ष्य रखा है। लॉकडाउन और धारा 144 को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इस बात की पूरी सावधानी रखी है कि जलापूर्ति किसी भी प्रकार से बाधित न हो। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के बाद गरीबों की मदद में लगे हुए संस्थाओं और व्यक्तिगत दानदाताओं पर रोक लगा दी है। समाज सेवकों द्वारा दी रही गरीबों की मदद की सामग्री अब जिला प्रशासन के पास जमा करानी होगी, जिसे प्रशासन की देखरेख में जरूरतमंदों को वितरित किया जाएगा। वहीं वार्ड पार्षदों के अनुसार इस निर्णय से जरूरतमंदों तक पहुँच रही राहत सामग्री के रुक जाने का अंदेशा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की मियाद 3 मई तक बढ़ा दी गई है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है, जो रोज़ मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों तक पहले समाज सेवकों के द्वारा सूखा अनाज और भोजन पहुँचाया जा रहा था, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ही अब हितग्राहियों को आवश्यक सामान पहुँचाए जाएंगे, क्योंकि जिन संघ संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा हितग्राहियों तक अनाज और भोजन पहुंचाने के दौरान सामाजिक दूरी का उल्लंघन हो रहा था, जिसे देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप दिया गया है। इसके लिए जो भी स्वयंसेवी संस्थाएँ और स्वयंसेवक दान देना चाहते हैं, उनके घर तक पहुँचकर सहायता सामग्री एकत्रित की जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा एक वाहन भी उपलब्ध करवाया गया है।
इस वाहन के माध्यम से आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में सामान लाया जा रहा है और यहां से जरूरतमंदों को सामान वितरित किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष प्रभारी अशोक पांडे ने हमें पूरी जानकारी दी। वर्तमान में जो पिछला जो व्यवस्था था उसको शासकीय आदेश के तहत हटाया गया है और जितने भी स्व सहायता समूह हैं या दानदाता हैं उनसे सामग्री ली जा रही है और कंट्रोल रूम के थ्रू बांटी जा रही है। तो कंट्रोल रूम तक सामान लाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? एक गाड़ी है हमारे पास, फ़ोन करते हैं तो हम लोग जाते हैं वहाँ सामान उठा के लाते हैं, यहाँ स्टोर करते हैं। जब फ़ोन आता है कि हमको ज़रूरत है तो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करवाने के बाद फिर सामग्री ले जाकर उनके जहाँ रहते हैं उस स्थल पर छोड़ देते हैं। अभी कितनी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं? अभी लगभग 8 से 10 संस्थाएं हैं जो हम लोग की सहयोग कर रही है। अभी मतलब जो खुला अनाज और भोजन भी दे रहे हैं? हाँ, भोजन भी दे रहे हैं, नाश्ता भी दे रहे हैं। 2-3 संस्थाएं ऐसे हैं जो भोजन भी दे रहे हैं, नाश्ता भी दे रहे हैं और 7-8 संस्थाएं ऐसे हैं जो राशन दे रहे हैं, राशन कच्चा राशन जिसमें सब्जी दाल चावल तेल है, मसाले के कुछ पैकेट है, आलू प्याज है, बड़ी है, हरी सब्जी हैं। इसी तरह ज़रूरतमंदों तक सामान पहुंचाने के लिए प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। बस्तर की बात, जगदलपुर। उत्तर प्रदेश से आए फेरी वाले शहर के राहत शिविरों में रह रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। शहर के कुम्हारपारा स्थित हाट कचोरा स्कूल में रह रहे 50 से भी ज्यादा लोग रात में कमरों से आ रही डरावनी आवाजों के चलते दहशत में हैं। यहां रह रहे लोगों ने बताया कि पिछले सप्ताह भर से बिजली नहीं है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की भयावहता को देखते हुए इसे रोकने हेतु बस्तर अंचल में भी कई उपाय किए जा रहे हैं। 24 मार्च को जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की गई, वैसे ही अपने घर, शहर और राज्य से दूर रह रहे लोग जहां थे वहीं रुक गए। ऐसे लोगों में से उत्तर प्रदेश से बस्तर अंचल आए वे फेरी वाले भी शामिल हैं जो इन दिनों शहर के राहत शिविरों में रह रहे हैं। शहर के कुम्हारपारा स्थित हाट कचोरा स्कूल में एक अनोखी बात देखने को मिली है। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि वैसे तो प्रशासन द्वारा पूरी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, परंतु स्कूल के कमरों में से आ रही डरावनी आवाजों के चलते वे सभी दहशत में हैं। क्या है मामला, आइए जानते हैं। भैया, ऐसा है कि हम लोगों को कलेक्टर साहब यहाँ ला के रखा है तो सुविधा अच्छा है, पर भूत का यहाँ खतरा है, नुकसान है, डर लगता है, आवाज आता है, इसलिए कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जाना चाह रहे हैं तो अच्छा रहेगा। और ये है कि यहाँ पे जो है तो सुविधा राशन पानी पहले मिलता था, पर जो है कि 4-5 दिन से नहीं आ रहा है हम लोगों को। और ये रमेश भैया ये जो आते हैं तो नाश्ता आस्ता सुबह को दे जाते हैं 10-11 बजे दो टाइम आता। पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा यहाँ पर डेली नाश्ता का विवरण हो रहा है। जी, तो अभी यहाँ भूत वगैरह का क्या प्रॉब्लम चल रहा है? ये रात में खड़ा फटी का आवाज आता है। हाँ, और परेशानी होता है, रात को डर लगता है, आवाज आता है, हमारे दो लोग देखे भी हैं, नजर भी पड़ा है वो। अच्छा, हाँ, तो मतलब अभी आप लोग क्या कर रहे हैं फिर इसके बाद? अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम बचना चाह रहे हैं, बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको बचाना चाहिए। अच्छा, तो बाकी आपके आधे लोग कहाँ गए? आधे लोग थोड़ा उधर रह गए जाके मैदान में, आधे लोग यहाँ पे हैं, वो भी जो लोग जाना चाह रहे हैं। इजाजत है थोड़ा सर का, सर के वजह से नहीं जा रहे हैं, थोड़ा उनसे इजाजत ले लेंगे तो अच्छी बात है। जी, हम आपको बता दें कि हाट कचोरा स्कूल में उत्तर प्रदेश से बस्तर आए लगभग 53 लोग इस राहत शिविर में रह रहे हैं। महिलाओं, पुरुषों और दूध मुहे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये सभी फेरी वाले बस्तर में हर वर्ष वस्त्रों की बिक्री करने यहाँ पहुँचते हैं। लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दिए जाने के बाद ये सभी इस परेशानी के चलते घर लौटना चाहते हैं। यहाँ रह रही एक महिला नसरीना ने हमें बताया कि यहाँ भोजन और अन्य सुविधाएं तो मिल रही हैं, परंतु उसके दूध मुहे बच्चे को दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इनका कहना है कि जब तक बस्तर कलेक्टर उन्हें जाने का आदेश नहीं देंगे तब तक वे नहीं लौटेंगे, परंतु स्कूल में भूत प्रेत होने की बात ये कह रहे हैं। वहीं इनका कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हितग्राहियों तक आवश्यक सामग्री पहुँचाने की व्यवस्था सौंपी गयी आपदा प्रबंधन को, दानदाता अब नहीं बांट सकेंगे सामग्रियां। हाट कचोरा स्कूल राहत शिविर में रहने वाले लोग दहशत में,
कहा स्कूल के कमरे से आ रही डरावनी आवाजें। टंकियों की सफाई के दौरान गंदा पानी सड़कों पर। और पूरे संजय बाजार सहित मेन रोड पर स्थित दुकानों और मकानों को किया जा रहा है सैनिटाइज। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।